हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। सब्जियां खाते खाते अक्सर हम लोग बोर हो जाते हैं, तो उसका अलग ऑप्शन सोचते हैं कि हम क्या खाना चाहिए। तो हम इस जगह हम लोग अचार देखते हैं। तो अगर आप घर पे ये अचार बनाएंगे, जिसे मैंने अदरक और कच्ची हल्दी और इसमें मूली का यूज़ किया है और हरी मिर्च, ये चार इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है, और बहुत ही कम मसालों के साथ आप इसे बहुत इजी वे में घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि ये अचार आप कैसे बना सकते हैं। मूली और कच्ची हल्दी का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मूली ली है और उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। कच्ची हल्दी है, जाड़े में ये मिलती है, तो आप इसका अचार बनाए बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। दो गांठ हमने हल्दी ले ली है, कच्ची हल्दी। यहाँ पर अदरक लिया है, अदरक को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। एक इंच अदरक ले लिया है, आप देखेंगे। और इसके अंदर एक और अदरक लिया है, जिसे मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। दूसरी साइड में हमने यहाँ पर मिर्ची ली है, हरी मिर्ची ली है। एक मैं तीखी वाली, ये वाली हरी मिर्ची है, इसे भी लंबे काट लिए हैं। और ये थोड़ी सी मोटी है, जो कम तीखी होती है और टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा होता है। तो दोनों मिर्ची को मिक्स करेंगे हम अचार में। और साथ में हमने नींबू लिया है, नींबू का रस लिया है। और यहाँ पर हमने तेल लिया है, ऑयल आपको मैं दिखाती हूँ। ये ऑयल लिया है मैंने, रिफाइंड ऑयल लिया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इस ऑयल को हमने गर्म कर लिया था, और जब इसमें से धुआं निकलने लगा था, उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए हमने रख दिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल ले लेते हैं, और बोल के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले मूली डालते हैं, जो हमने मूली को ग्रेट किया था उसे डाल देते हैं। इसके बाद ये अदरक है, अदरक को भी ग्रेट किया था, इसे भी डाल देते हैं। लंबे कटे हुए अदरक भी है ये। और लास्ट में ये हरी मिर्ची है, तीखी भी है और कम तीखी वाली है, दोनों डाल दिया हमने। इसके बाद हमने ये कच्ची हल्दी को, जो ग्रेट किया था, धोकर हमने बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है, और उसके बाद इसे ग्रेट किया था। आप देखेंगे बिल्कुल ड्राई है ये हल्दी। कच्ची हल्दी डालने से क्या होता है कि ये अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, यम्मी हो जाता है। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे आप अच्छी तरह से ये मिक्स कर लें। अगर आप कच्ची हल्दी नहीं भी डालना चाहते तो आप है ना इसके पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप कच्ची हल्दी ही डालें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हम काला नमक डालते हैं, हमने काला नमक लिया है, और इसे डाल देते हैं। और इसके बाद हमने सफेद नमक लिया है, थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल देते हैं। नमक थोड़ा सा इसके अंदर तेज ही होना चाहिए अचार में, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो हमें नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डालना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम कलौंजी डालेंगे। कलौंजी आप देखेंगे, इसे प्याज का बीज कहते हैं, तो ये मार्केट में मिल जाता है, आप मार्केट में ले ले, बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। इसे भी मिक्स कर लें। कलौंजी डालने से भी अचार का टेस्ट दुगना हो जाता है अच्छी तरह से आप बिल्कुल। और जब भी आप अचार बनाए, दो तीन चीजों का ध्यान जरूर रखें कि जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उस बर्तन को बिल्कुल साफ होना चाहिए, और कहीं भी पानी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जो हमने स्पून यूज किया है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार अच्छी तरह से रहेगा नहीं। अब इसके अंदर हम नींबू डाल देते हैं, नींबू का जो हमने रस लिया था, नींबू का रस डाल देते हैं, खट्टापन आ जाएगा इसके अंदर, और ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। ये आपको आटे के हाथ से बिल्कुल अचार को छूना नहीं है, ना तो गीले हाथ से छूना है, बिल्कुल साफ ड्राई स्पून से जब भी आप अचार निकाले, और इसे ड्राई स्पून से ही निकाले अचार को, ये अच्छी तरह से चला ले। अब लास्ट में
जो मैंने ये तेल डाला था, ये तेल को मैंने ऑयल को गरम कर लिया था और इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और ये अच्छी तरह से इसको वापस मिक्स कर लेते हैं। और इसे आप धूप में एक जार में रखना है, इसको मैं बताती हूँ आपको कैसे रखना है। ये अच्छी तरह से आप चला लें और इसके बाद इसको आप इस को पहले आप क्या कीजिएगा, धूप में आप इसे इस तरह बंद करके रख दीजिए, कपड़ा ले लीजिए और इसको इस तरह ढक करके और इसको आप धूप में रख दीजिए। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये आप है ना जार के अंदर इसको कैसे आप रख सकते। देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है और आपको मैं बताती हूँ ये कैसा है। ये देखिए ये मैंने ऑलरेडी ये अचार बना रखा था, तो मैं बना हुआ है अचार, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बनकर कैसा लगता है। ये इसे मैं 2 दिन के लिए रखती थी और 2-3 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से बन गया है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं और आप कोई भी कुछ भी बनाए पूरी के साथ, उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर 2-3 टिप्स बताना चाहती हूँ कि जब आपका अचार 2-3 दिन के अंदर ये जब हो जाएगा तो इसे आप या तो जार के अंदर, बड़े मुंह वाले जार के अंदर भर कर रख के, जार को सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसे बिल्कुल टाइट करके और इसे आप धूप में रख दें। 2-3 दिन के बाद आप इसको टेस्ट करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। होप आपको मेरा ये बना हुआ अचार अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।